हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट इंस्टीट्यूट लेट लक्ष्मण राव उस्ताद स्किलवार ITI। इन टूडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पंचेस, इट्स टाइप्स एंड यूजेस। आइए देखते हैं पंच क्या है। पंच एक हार्ड मेटल का रॉड होता है जिसका एक एंड नुकीला तथा दूसरा एंड चौड़ा होता है। यूज़ करते वक्त इसका पॉइंटेड वाला भाग जॉब के टारगेट वाले सरफेस पर तथा चौड़ा वाला भाग पर हथौड़े से वार किया जाता है। इससे मार्किंग वाले स्थान पर अच्छे से पॉइंटेड निशान या मार्किंग आ जाती है। स्क्राइबर द्वारा वर्कपीस पर मार्किंग तो अच्छे से हो जाता है, परंतु इस प्रकार के मार्किंग का मिटना पॉसिबल है जिससे कार्य करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए उसके स्थान पर मार्किंग की हुई लाइनों पर पंच के द्वारा डॉट लगा दिए जाते हैं जिससे कि मार्किंग के मिटने का डर नहीं रहता तथा कार्य आसानी से हो जाता है। इसीलिए हम पंचेस का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी पंचेस किसी डावल पिन या फास्टनर्स जैसे कि खीले, स्क्रू व बोल्ट को गाइड करने के लिए उपयोग में लाते हैं। कई बार ड्रिल या टैपिंग ऑपरेशन के दौरान वहां पर सेंटर मार्क करने के लिए भी पंच का प्रयोग किया जाता है। जनरली पंचेस को हार्ड कार्बन स्टील से बनाया जाता है तथा इसका पॉइंटेड एंड एवं फ्लैट एंड दोनों को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है ताकि इसकी हार्डनेस तथा वर्क एबिलिटी वैसे ही बनी रहे। ये पंचेस अपने कार्य एवं आकार के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। पंच के बहुत से प्रकार हैं जिसमें डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच आदि बहुत प्रमुख हैं। इसके अलावा पिन पंच, सॉलिड पंच, हॉलो पंच, नंबर एंड लेटर पंच इत्यादि भी अकॉर्डिंग टू वर्क इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रिक, डॉट तथा सेंटर तीनों पंच की बनावट एक जैसे होती है, परंतु इनके नुकीले वाले भाग पर अलग अलग एंकल की मार्किंग होती है। जनरली प्रिक पंच का इस्तेमाल ऐसी जगह पर होता है जहां नर्म धातु का उपयोग हो, जैसे कि लोहे की पतली चादरें या फिर सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम पर मार्किंग करना हो। इसके अलावा डॉट पंच कुछ हार्ड मेटल वाले धातु पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंटर पंच का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी जॉब में या वर्कपीस में ड्रिल करना है। इनके बीच एंगल प्रिक पंच में 30 डिग्री, डॉट पंच में 60 डिग्री तथा सेंटर पंच में 90 डिग्री की एंगल मार्क किया होता है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेंटर पंच द्वारा की हुई मार्किंग दिखाई दे रहा है। हॉलो पंच का प्रयोग किसी लोहे की पतली चादरों में बिल्कुल गोलाकार होल काटने या फिर अधिकतर पैकिंग के होल काटने या फिर किसी लोहे की वस्तुओं पर डिजाइनिंग मार्क करने के लिए किया जाता है। नंबर पंच 0 से 9 तक के अंकों के लिए अलग अलग बने होते हैं तथा इनका प्रयोग करके किसी जॉब पर
संख्या या फिर नंबर के रूप में आईडी लिखा जा सकता है। इसके साथ ही लेटर पंच की सहायता से ए से जेड तक के अक्षरों की मार्किंग उस जॉब पर किया जा सकता है। जनरली इस प्रकार के पंचों का प्रयोग किसी जॉब पर उसकी आईडी मार्क करने के लिए किया जाता है। ट्रायंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या हेक्सागोनल होलो पंच का प्रयोग करके किसी पतले धातु के मेटल शीट, कार्डबोर्ड, चमड़े के बेल्ट इत्यादि पर होलो मार्किंग की जा सकती है या उनमें स्मॉल होल्स किए जा सकते हैं। पंचेस का प्रयोग करते वक्त कुछ सावधानियाँ रखनी होती है, तो आइए देखते हैं वो सावधानियाँ कौन कौन सी है। पंच को आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए तथा इसका पॉइंट हमेशा तेज धार वाला होना चाहिए जिसे मार्किंग आसानी से हो सके। मार्किंग लाइंस पर डॉट लगाते समय डॉट्स के बीच ज़्यादा दूरी ना हो और ना ही बहुत कम दूरी हो, यह एक प्रोपोर्शनेट हो तो मार्किंग आसानी से दिखाई देता है। पंच तथा हैमर का प्रयोग पूरी सावधानी से करना चाहिए। कई बार कार्य करते वक्त पंच के हेड से हैमर स्लिप होता है, ऐसी कंडीशन में आपके हाथ पर गंभीर चोटें लग सकती है। इसीलिए पूरे कॉन्सेंट्रेशन एवं सावधानी के साथ ही पंच का प्रयोग करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। फॉर एडमिशंस एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू इंस्टीट्यूट।